कानपुर की कपड़ा मंडी एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मंडी है। यहाँ से कलकत्ते तक, नेपाल तक, बंगाल तक कपड़ा जाता है। सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ साड़ियाँ यहाँ मार्केट में आ गई हैं। बहुत ज़्यादा ग्राहक उसको ढूंढता हुआ आ रहा है। मार्केट में बहुत चहल पहल हो गई है। इस कारण से मैं सामाजिक व्यक्ति होने के कारण, नौगढ़ा कपड़ा कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते, तमाम लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। इसी बीच में मोदी की फ़ोटो के साथ भी साड़ियां मार्केट में आ जाने से और ज़्यादा चहलकदमी बढ़ गई है। बिक्री बहुत अच्छी हो रही है। कोई 10 साड़ियां मंगा रहा, कोई 20 साड़ियां, कोई 50 साड़ियां। सुबह से शाम तक तांता लगा रहता है। कांग्रेस वाले और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सपोर्टर, सभी लोग साड़ियां मंगा रहे हैं। वैसे तो जो परिणाम है वो 23 तारीख को आएंगे, लेकिन अगर अभी की बात की जाए, जो आपकी दुकानों में साड़ी खरीदने वाले लोगों की भीड़ है, उसमें क्या लगता है, कौन जीतता दिख रहा है? देखिए, कुछ लोग किसी को जीतने के लिए कहते हैं, कुछ लोग किसी को जीतने के लिए। अभी माहौल ये नहीं बना है कि आखिर कौन जीत रहा है या कौन प्रधानमंत्री बन रहा है। अभी दोनों लोग, जैसे कानपुर की बात करें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के बीच 1-1 चुनाव है, तो अब 10 दिन में ये रिजल्ट आएगा। हम इसमें एक बात और कहना चाहते हैं कि साड़ी की बिक्री के संबंध में चुनाव आयोग का अगर कोई हस्तक्षेप ना हुआ तो ये साड़ियाँ कांग्रेस वाली और भारतीय जनता पार्टी वाली दोनों खूब बिकेंगी। लोग सशंकित हैं कि कहीं चुनाव आयोग इस पर रोक ना लगा दे। ठीक, यहाँ पे हम साड़ियाँ खरीदने आते हैं और चुनाव के माहौल चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे देखी इंदिरा गांधी की साड़ी और मोदी जी की साड़ी सब सेल हो रही है, इसलिए मैंने भी अपने लिए एक साड़ी कई महीने बाद। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और किस तरह की साड़ियाँ हैं यहाँ पे? और भी कई वैरायटियाँ हैं, और ये मैंने आज देखी इंदिरा गांधी की और मोदी की साड़ी, तो मैंने अपने लिए।